हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा केबल वाला पैटर्न लेके आई हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। फ्रेंड्स, इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जेंट्स स्वेटर में कहीं भी अप्लाई करिएगा, बनके बहुत ही सुंदर नज़र आता है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे। तो यहाँ पे मैंने 16 फंदे लिए हुए हैं। ये डिज़ाइन हमारा 2 लाइनों का है, सीधी तरफ से शुरू होगा। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो, सीधी साइड। सबसे पहले एज के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। अब 4 फंदों में यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब यहाँ से हमारे डिज़ाइन के फंदे शुरू हो गए हैं। 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदों को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, पहले वाले फंदे को छोड़ के दूसरे वाले फंदे को हमने पहले बुनना है। पीछे की तरफ ऐसे लाएंगे, देखिएगा, और इसको हम सीधा बुन लेंगे। इस लूप को हम थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, उसके बाद आगे वाले फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब फिर से रिपीट कर रहे हैं डिज़ाइन को, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब ये 2 फंदे हैं, दूसरे वाले फंदे को हमने पहले बुनना है और इस वाले फंदे को हम बाद में बुनेंगे। दूसरे वाले फंदे में हमने सिलाई को ऐसे डालना है पीछे की तरफ को और ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। इस लूप को हमने थोड़ा सा ऊपर को खींचना है और फिर पहले वाले फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। अब दोनों फंदों को ऐसे सिलाई से निकाल देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करके दूसरे वाले फंदे को पहले हमने बुनना है। इस लूप को थोड़ा सा ऊपर को खींचेंगे, इसके बाद पहले वाले फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, धागे को पीछे करेंगे और एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में डिज़ाइन की सेकेंड रो। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे और बाकी के फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है, जो कि पूरी हमने उल्टी उल्टी बुनी है। फ्रेंड्स, ये 2 लाइन का डिज़ाइन था। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देती हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, एज के फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे। अब ये 4 फंदों में हम डिज़ाइन बना रहे हैं, जिसमें कि 2 फंदे हम शुरू के उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, दूसरे वाले फंदे को हमने पहले बुनना है, उसके बाद आगे वाले फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे, उसके बाद दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं डिज़ाइन को, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करके, ये 2 फंदे हैं, दूसरे वाले फंदे को हम पहले बुनेंगे सीधा, उसके बाद आगे वाले फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे, बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, धागे को पीछे करके, अब ये 2 फंदे हैं, दूसरे वाले फंदे को हमने पहले बुनना है सीधा, उसके बाद आगे वाले फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे, उसके बाद दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे, धागे को पीछे करके एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को फिर से रिपीट किया है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे और पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। फ्रेंड्स, यहाँ हमने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कम्प्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने सेकंड रो को फिर से रिपीट किया है। फ्रेंड्स, ये 2 लाइनों का डिज़ाइन है। इन 2 लाइनों को आपको बार बार रिपीट करते हुए जाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप इन 2 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह से नजर आएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी फ्रंट साइड है और बैक साइड से कुछ इस तरह दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।